तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वायरस होते हैं। ऑप्शन ए है कणिका में या एकोशिकी, ऑप्शन बी है एक कोशिकी, ऑप्शन सी है बहुकोशिकी और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कणिका में या एकोशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुभोजी बने होते हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल के, ऑप्शन बी केवल प्रोटीन के, ऑप्शन सी न्यूक्लियो प्रोटीन के और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा न्यूक्लियो प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस कण के आवरण को कहते हैं। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी क्यूटिकल, ऑप्शन डी है कैप्सिड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियो एंड ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए अथवा आरएनए, ऑप्शन डी हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डीएनए अथवा आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के प्रोटीन चोल को कहते हैं। ऑप्शन ए कैप्सिड, ऑप्शन बी कैप्सोमियर, ऑप्शन सी वायरोन, ऑप्शन डी सलयन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा रोग कारक कौन सा है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है एक कोशिकीय शैवाल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन व लिपिड, ऑप्शन डी स्टार्च प्रोटीन व लिपिड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का निम्न भाग उसे आनुवंशिकता का गुण प्रदान करता है। ऑप्शन ए आरएनए अथवा डीएनए, ऑप्शन बी कैप्सिड, ऑप्शन सी कैप्सोमियर, ऑप्शन डी प्रोटीन चोल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आरएनए अथवा डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ फल है। ऑप्शन ए सिंघाड़ा, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी मूंगफली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंघाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू फल है। ऑप्शन ए समूह फल, ऑप्शन बी हेस्पिरिडियम, ऑप्शन सी पोम, ऑप्शन डी पीपो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेस्पिरिडियम। कमल का फल है। ऑप्शन ए संपुट, ऑप्शन बी लोम पेटम, ऑप्शन सी एकिन का पुंज, ऑप्शन डी फोलिकल का पुंज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एकिन का पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए एरिल, ऑप्शन बी एडोकार्प, ऑप्शन सी बीज पत्र, ऑप्शन डी पुष्पासन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमोकार्प मिलता है। ऑप्शन ए आम में, ऑप्शन बी लीची में, ऑप्शन सी धनिया में, ऑप्शन सी डी अनानास में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाभवंत किसका रूपांतरण है। ऑप्शन ए मूल का, ऑप्शन बी प्रणव्रत का, ऑप्शन सी तना का, ऑप्शन डी है पत्ती का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे का फल होता है। ऑप्शन ए पोम, ऑप्शन बी पीपो, ऑप्शन सी ड्रूम और ऑप्शन डी है हेस्पेरिडियम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हेस्पेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद गोभी में खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए तना,
ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी पुष्पक्रम, ऑप्शन डी पुष्प। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकानियसिस पाई जाती है। ऑप्शन ए मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट में, ऑप्शन बी मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में, और ऑप्शन सी मियोसिस की प्रोफेज सेकंड में, ऑप्शन डी माइटोसिस की मेटाफेज में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में।